हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं SBI PO रिक्रूटमेंट 2021 जो निकाली गई थी। यहाँ पे कुल मिला के 2000 वैकेंसी निकाली गई थी PO के लिए, यानी कि प्रोफेशनल ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन जो कि 27 नवंबर 2021 को होने वाला है, उसका कॉल लेटर आ चुका है। तो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। अभी मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा और आपको किस तरह से डाउनलोड करना है वो बताने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अभी आपको सिंपली इस वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपका रजिस्टर नंबर या फिर रोल नंबर डाल दीजिएगा, पासवर्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और इस पैटर्न के अंदर देखिए, इस पैटर्न में डालने के बाद में ये कैप्चा डालने के बाद में आपको लॉगिन करना है और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास अभी ये क्रेडेंशियल्स है नहीं, तो मैं डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह यहाँ पर SSC GD कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 SSC की तरफ से जो GD कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी बनाया था, चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुल मिला के 25,271 वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर 2021 को। तो यहाँ पे SSC WR मुंबई रीजन के लिए कॉल लेटर आ चुका है, तो ये भी आपको अभी डाउनलोड कर लेना है यदि आपने SSC WR मुंबई रीजन के लिए अप्लाई किया होगा। तो इसका कॉल लेटर आ चुका है। यहाँ पे भी मैंने लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे इस वेबसाइट पर आप आ जाओगे। ये पहले चेक कर लेता है। तो इस तरह से SSC WR रीजन की वेबसाइट आ जाएंगी आपके सामने। यहाँ पे आपको रोल नंबर या फिर रजिस्टर्ड ID नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और यहाँ पे बोला है कि आपने जो फर्स्ट सेंटर नेम सिलेक्ट किया था अप्लीकेशन करते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको ये एडिशन करके यहाँ पे लिख देना है, वेरीफाई करेंगे वो और सर्च नाउ पे क्लिक करना है, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आता नहीं है तो आपको नीचे एक और तरीका दिया गया है, आप रोल नंबर भूल गए होंगे तो यहाँ पे आपको नाम डालना है, पिताजी का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, सिलेक्ट करना है, और आपको वो फर्स्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और एडिशन करके सर्च नाउ पे क्लिक करना है। ये दोनों तरीके से या फिर इसमें से एक तरीके से आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा और फिर आप एग्जामिनेशन को जा सकते हो। एग्जामिनेशन कब रहेंगे आपकी? तो 16 तारीख से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रही है, 15 दिसंबर तक है। 16 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 15 दिसंबर को एंड हो जाएंगी। तो गाइस, यदि आपको ये पता नहीं था तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और आपके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट मिलती है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।